से वेदांता, तो खैर एल्युमिनियम काउंटर हमने कल भी बीटीएसटी ट्रेड अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू दिया था अपने व्यूअर्स को, लेकिन आज के लिए क्या आप स्टील काउंटर प्रेफर करेंगे? टाटा स्टील जैसे काउंटर अच्छा मूव अभी भी दिख रहा है आपको विभोर? किरण, स्टील के अंदर डेफिनेटली टाटा स्टील की अगर हम बात करें या वेदांता की हम बात करें तो ओवरऑल काफी अच्छे पुल बैक से स्टॉक निकल रहे हैं। ओवरऑल टाटा स्टील की अगर बात करूं तो 20 डेज मूविंग एवरेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट दो दिन में जो करेक्शन आया था वहां पे भी हमने देखा कि जो पुल बैक है वो पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न के साथ आया है। 103 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफी टाइम हमने देखा है कि उसको डिपेंड किया है। सो 103 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली हम बाय कर सकते हैं। जो ओवरऑल टारगेट पहला टारगेट हमारा रहेगा वो 113 का रहेगा, 113 के आसपास 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। जैसे ही 113 क्रॉस होगा देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 120 तक की रैली टाटा स्टील में देख सकते हैं। तो यस, टाटा स्टील 103 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। तेरा पहला टारगेट बोल रहे हैं और अगर वो क्रॉस होता है तो टारगेट 2 120 भी बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस बीच जो लेकिन इस बीच इंश्योरेंस स्पेस पर एक बार फोकस करते हैं। शुरुआत न्यू इंडिया अश्योरेंस के साथ, 6% की तेजी सारे के सारे इंश्योरेंस काउंटर्स को देखें। एसबीआई लाइफ में मजबूती है, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, मैक्स लाइफ और न्यू इंडिया अश्योरेंस करीब 4-5% की बढ़त दिखा रहे हैं। मयूरेश, आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे क्योंकि इंश्योरेंस स्पेस लगातार ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रडार पे है। सभी इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों के वीएनबी मार्जिन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, मार्जिन्स में बढ़ोतरी का इंपैक्ट है जो कि काफी हद तक हम इनके कारोबार में रिजल्ट स्पेसिफिक भी देख रहे हैं, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है जो कि कंपनियों को काफी हद तक तेजी प्रदान कर रहे हैं। क्या लगता है इंश्योरेंस स्पेस में आज तो न्यू इंडिया अश्योरेंस है जो कि सबसे ज्यादा रडार पर है? वी आर एब्सोल्युटली राइट मानसी, आप जो सारे डेटा पॉइंट्स रखे हैं एब्सोल्युटली परफेक्ट है। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए आई थिंक जो टेलविंड्स बन के आती है, कोविड काल में इनको जितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ रही थी बैलेंस शीट पे उससे उनका अच्छा खासा हिट हो चुका है। बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज बिहाइंड देम, जितनी आई थिंक न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ आएगी बोथ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट लेवल पे, जितनी पेनिट्रेशन और बढ़ेगी, जो प्रोडक्ट मिक्स है स्पेसिफिकली आई थिंक प्रोटेक्शन और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स में, इससे जो नए धंधे की मार्जिन जिसे वीएनबी मार्जिन कहते हैं इसमें इजाफा अच्छा खासा हो सकता है और इसीलिए इनकी जो एम्बेडेड वैल्यू रहती है इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। तो जैसे नए पॉलिसीज प्रीमियम्स ग्रो होते जाएंगे बैलेंस शीट के ऊपर, और क्योंकि इनकी कॉस्ट पूरी की पूरी फ्रंट एंड हो चुकी है काफी सालों तक का, मुझे लगता है डायरेक्ट फ्लो थ्रू हो सकता है इबिट और बॉटम लाइन पे और कैश फ्लो इंप्रूवमेंट जबरदस्त देखी जा सकती है। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए जबरदस्त टेलविंड और मोमेंटम बरकरार रहेगा। नॉन इंश्योरेंस के लिए जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है आई थिंक जीएमपी जिसे कहते हैं, वहां पे आई थिंक यू आर सीइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट एज वेल। लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स आई थिंक जो कॉस्ट है बोथ द ऑपरेटिंग कॉस्ट एज वेल एज रिकरिंग कॉस्ट अलॉन्ग विद आई थिंक द प्रोविजनिंग दैट दे नीड टू मेक इन टर्म्स ऑफ देयर बैलेंस शीट, ये आई थिंक अच्छी खासी प्रोवाइडेड है और इसलिए इनके भी सॉल्वेंसी रेशियोज काफी तगड़े हैं कंपेयर्ड एज लाइकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स एज वेल। मुझे लगता है आई थिंक तगड़ी ग्रोथ आ सकती है, मार्जिन शुड गेट सस्टेन्ड एंड मेंटेन्ड और इसलिए आई थिंक इंश्योरेंस इज अ स्पेस, लाइफ हो या नॉन लाइफ हो, यहाँ पे मोमेंटम शायद बरकरार रहेगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस स्टेटमेंट्स। बिल्कुल क्लियरली आपको दो सेक्टर्स तो जिसमें सबसे ज्यादा एडवांसेस दिख रहे हैं वो एक सीमेंट है और एक बैंकिंग है। 100% एडवांसेस आपको बैंकिंग में इस वक्त दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप बात करें तो यहाँ पर, और साथ ही सीमेंट में भी आपको एफएनओ स्पेस में जितने भी 5 काउंटर्स लिस्टेड हैं जो एफएनओ स्पेस में भी है उनमें सब में एडवांसेस दिख रहे थे। और इनफैक्ट सीमेंट काउंटर्स में जो प्योर प्ले वाले काउंटर्स है वो तो चल ही रहे हैं, रेन इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स भी चल रहे हैं जिनमें सीमेंट का भी ट्रिगर है और केमिकल का भी ट्रिगर है। और रेन इंडस्ट्रीज आई थिंक कुशकियाज कॉल भी थी और इससे पहले कई बार से किरण जानी भी रिकमेंड कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल